हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। दोस्तों अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, ईमेल एटिकेट्स के बारे में, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था, लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग और नोटिस राइटिंग ये सब क्या है, दीज आर ऑल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो अगर आपको कोई ऐसी कम्युनिकेशन करनी है जो कि आप चाहते हैं कि मल्टीपल लोगों को पहुंचे, यू वांट इट टू बी अ मास कम्युनिकेशन, राइट, इन दैट केस आप क्या करते हैं, एक नोटिस लिखते हैं। लेटर तो हो गया कि आप किसी को पर्सनली, या ईमेल हो गया किसी को पर्सनली, या फिर एक ग्रुप में आप भेज रहे हैं, राइट। बट नोटिस जो होता है इट इज़ मोर फॉर अ फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो कोई भी ऐसे अनाउंसमेंट आप करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी कोई ऐसी मान लीजिए कोई जॉब की पोस्ट है, या मान लीजिए कि कोई इवेंट है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी पब्लिक, यू वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू नो अबाउट इट, इन दैट केस आप क्या करते हैं कि आप बना देते हैं एक नोटिस और उसको आप जितनी भी पब्लिक प्लेसेस पे लगा सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं। यू डू इट लाइक दैट, जस्ट इट इज़ आल्सो अगेन अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्योंकि एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन के है तो इसका भी तो एक फॉर्मेट होना ही चाहिए ना। सो लेट अस रीड इन डिटेल अबाउट इट। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दैट नोटिस आर अ मीन ऑफ अ मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन टारगेटेड एट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जिसकी भी मतलब आप एक नोटिस बना के लगा देंगे किसी पब्लिक जगह पर, जिनको भी लगेगा हाँ ये इन चीज़ उनके लिए वैलिड है, दे कैन गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। इट इज़ लाइक अ न्यूज़ आइटम एंड इन्विटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ इन्वाइट करना चाहते हैं, कोई जॉब एप्लीकेशन है, एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो आप चाहते हैं कि पब्लिक में डिस्प्ले हो एंड पीपल शुड नो अबाउट इट सो दैट दे कैन एक्चुअली यू नो मेक यूज़ ऑफ इट। इन दैट केस आप जो है एक नोटिस के बारे में आप उसको इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिस आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया है तो ये भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, और अगर फॉर्मल है तो इसका फॉर्मेट तो होगा ही, और अगर इसका फॉर्मेट होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं आपको इसके बारे में ना पढ़ाऊँ, है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, देखते जाइए समझ आ जाएगा आपको। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप एक नोटिस लिख रहे हैं, राइट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर होनी चाहिए जिनसे वो नोटिस जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव बनेगा। आपने मान लीजिए लिख तो दिया, लेकिन अगर आपने उसके बीच में कोई भी इनमें से एक भी चीज़ मिस कर दी तो जो आपका नोटिस है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा जी। जो पढ़ने वाले होंगे ना उनको भी कन्फ्यूजन होगा, अरे नोटिस तो लिख दिया लेकिन अब हम इसका करें क्या, तो वो तो नहीं चाहते ना कि आप हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे जो W's हैं दे शुड बी कवर्ड, और इन अदर वर्ड्स देर आर 5 W's विच मस्ट बी कवर्ड वाइल यू आर राइटिंग अ नोटिस। तो पहला W है वॉट, यानी कि नोटिस किस चीज़ के बारे में, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं या क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप इंफॉर्मेशन, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो पहली तो चीज़ हो गई वॉट, दूसरी चीज़ हो गई वेयर, यानी कि वेन्यू। अगर मान लीजिए कोई ओकेजन है या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन है या फिर कोई पब्लिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके लिए देर इज़ प्रोबेबली एन इवेंट विच हैज़ टू टेक प्लेस, तो उसके वेन्यू क्या है, यानी कि वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ सम इवेंट दैट हैज़ टू टेक प्लेस। When again कब है, अब आपने वेन्यू तो बता दिया लेकिन होना कब है, किस टाइम पे होना है वो भी तो बनाना ज़रूरी है। अगर वो पता नहीं होगा तो आप बस बता देंगे वेन्यू, हाउ द पीपल नो कि हमें यहाँ पे जाना है कब नहीं जाना है, व्हाट इज़ द टाइमिंग एंड ऑल। जब तक वो क्लियर नहीं होगा योर नोटिस इज़ गोना बी इनकम्प्लीट। फिर हो गया हु, अब हु का मतलब हो गया कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्ली इज़ देयर एन एज लिमिट और इज़ देयर प्रॉब्ली एनी फिल्टर और एनी क्राइटेरिया विच यू पुट फॉरवर्ड, तो वो चीज़ भी इसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने एक जॉब एप्लीकेशन के लिए एक नोटिस लिखा, राइट, और उसके अंदर आपने एज लिमिट मेंशन ही नहीं की या फिर क्वालिफिकेशन मेंशन ही नहीं की, और आपके पास तो इसका मतलब बिना फिल्टर हुए कितने सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, है ना। तो अगर इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी तो यू विल गो बॉन्कर्स स्क्रूटनाइजिंग देम, राइट, लेकिन आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसीलिए वहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन ऐसे लोग हैं हु एक्चुअली फॉल इनटू दैट कैटेगोरी ऑफ द पीपल और द इवेंट और एनीथिंग दैट यू पुट फॉरवर्ड इन द नोटिस। अब हो गया होम, यानी कि फाइनल डिटेल्स। अब ये तो आपने सब लिख दिया कि हाँ ये इवेंट है, इस जगह पे है, इतने बजे हैं, ये लोग हैं जो आ सकते हैं।
अगर आपने वहाँ पे लिखा ही नहीं कि कॉन्टैक्ट किस तो किसको करना है, देन हाउ वुड द पीपल नो। मान लीजिए लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस देनी है किसी चीज़ के लिए, जब तक आपने लिखा नहीं है होम, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा कि हाँ ये चीज़ है आप इनको कॉन्टैक्ट करिए, या ये इनका नाम है, ये इनका नंबर है, इट्स गोना बी वेरी वेग। तो इसलिए दोस्तों ये सब 5 W's हैं जिनका आप खास ख्याल रखिए जब भी आप एक नोटिस को फ्रेम कर रहे हो। इफ ऑल ऑफ दीज 5 W's आर कवर इज व्हेन योर नोटिस विल बी इफेक्टिव। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसका बिकॉज इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका भी एक फॉर्मेट होगा और वो फॉर्मेट तो आपको फॉलो करना है। तो देखिए अब इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप नोटिस लिखते हैं, ऑफकोर्स आई विल शो यू वन नोटिस गोइंग फॉरवर्ड, जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, यानी कि सबसे ऊपर में आप लिखते हैं कि हाँ ये किसने नोटिस जारी किया, इज़ इट बाय द गवर्नमेंट और इज़ इट बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, इज़ इट बाय सम कंपनी, बाय एनी हॉस्पिटल, कुछ भी है तो उसका जो है सबसे ऊपर नाम लिखा जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे ही नाम आएगा तो जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम उधर आएगा, जो भी व्यूवर्स जो भी उनको पढ़ने वाले होंगे उनको आइडिया हो जाएगा, अरे हाँ अगर ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस, यू नो इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पुट इट फॉरवर्ड, सो व्हाट प्रोबेबली इट वुड बी, या फिर क्या ये मेरे काम का हो सकता है या नहीं हो सकता, और हाउएवर। तो इसलिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग दैट विल कम ऑन द टॉप। उसके बाद आ जाता है बड़े बड़े शब्दों में नोटिस, ये आपको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, यानी कि इन ऑल कैप्स, दिस इज प्राइमरली टू कैप्चर द अटेंशन। तो वहाँ पे आप नोटिस करके लिखते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके नीचे लिखा गया है नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर्स में, तो ऑब्वियसली जब ऐसे लिखा हुआ होगा तो इट इज़ गोना कैप्चर द अटेंशन, अटेंशन तो कैप्चर करेगा ही वो व्यूअर्स की, है ना, तो सबको होगा कि अरे हाँ यहाँ से नोटिस आया है, प्रॉब्ली शायद ये मेरे काम का हो, तो लेट मी जस्ट लुक इन टू इट। सो इट इज़ ऑल अ वे ऑफ गेटिंग द व्यूअर्स, गेटिंग द ग्रिप ऑफ द व्यूअर्स। उसके बाद है जी डेट, ऑफकोर्स डेट भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए किस दिन का नोटिस है, तो सो दैट अगर फ्यूचर में भी आप कभी उसको रेफर करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये नोटिस इस दिन को आया था, सो लेट मी गो अहेड, मैं इस दिन का पेपर या इस दिन का कुछ भी डॉक्यूमेंट है, लेट मी गो अहेड एंड चेक दैट। ओके, तो उसके बाद आती है हेडिंग, यानी कि आपने जैसे यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, उसके नीचे लिखा नोटिस, उसके बाद साइड में आपने लेफ्ट साइड में आपने डेट लिखी पूरी, एंड उसके नीचे जो है आप लिखेंगे हेडिंग, यानी कि व्हाट इज़ दिस नोटिस अबाउट, एक ब्रीफ आइडिया, ऑफकोर्स इन डिटेल तो आपका बॉडी में कवर होगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि ठीक है यार, इज़ इट सम कॉम्पिटिशन, इज़ इट एन इवेंट, और इज़ इट सम जॉब पोस्ट, और इज़ इट सम एनी थिंग विच यू नो द हुएवर हुएवर whoever has framed the notice wants to convey to you, तो वो आप एक brief में आप यहाँ पे लिख देंगे, right? Okay, तो heading हो गई, उसके बाद आपकी आ गई body, तो of course जैसे कि आपके हर formal communication का format होता है, body has to be crisp and brief, of course you have to use formal language, your spellings have to be correct, your punctuations have to be correct, so it should be framed, आपको बहुत ही you know optimal usage of words करना है, बहुत ही ब्रीफली और एप्टली आपने उसको, बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा लिखे और वो व्यूज उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सो इट ऑफकोर्स हैज़ टू बी वेरी ऑप्टिमल एंड, तो ऑफकोर्स कीपिंग इन व्यू जो मैंने आपको 5 W's यहाँ पे अगर आपको याद होगा पढ़ाए हैं, वेयर व्हेन हू हूम, ये सब उसमें आपकी बॉडी में कवर होने चाहिए, यानी कि वेयर व्हेन यानी कि किन के लिए है, कब है, कौन यहाँ पे आ सकता है, ऑल दैट, ये सब डिटेल्स जो हैं आपको आपकी बॉडी में क्रिस्पली कवर करनी है। उसके बाद इन द एंड आ जाता है आपका राइटर्स नेम, यानी कि अगर आपको याद होगा जो लास्ट W था बाय हु, राइट, सो वहाँ पे आपको लिखना है कि आप कौन है, आई मीन हु इज द वन हु इज एक्चुअली टेकिंग चार्ज ऑफ दिस इवेंट और एनी थिंग दैट इज पुट फॉरवर्ड बाय द नोटिस, तो वहाँ पे नीचे आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, नंबर आपको लिखना चाहिए, नाम होना चाहिए, सो दैट यू नो एनी वन हु वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कई बार जब हम घर रेंट पे लेने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे टूलेट बोर्ड्स लगे होते हैं ना, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, यू कैन नॉट ऑफकोर्स यू कैन नॉट कम्प्लीटली प्लेस आर इन अ कैटेगरी ऑफ नोटिस, बट ऑफकोर्स दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नोटिस, कम्प्लीटली इनफॉर्मल होता है, तो वहाँ पे सिंपली लिखा होता है टूलेट,
और नीचे नाम या कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ दिया होता है, सो दैट जो भी इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में दे कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट सो एंड सो पर्सन. अगर वहाँ पे आपका नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, कुछ जो आप लिखना चाहते हैं, इवन यू वॉन्ट राइट योर डेजिग्नेशन और नॉट, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. और सिग्नेचर तो ऑफकोर्स आपको करना ही है, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे तो और भी बेटर है. तो ये सब चीज़ें एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन पुट दीज डिटेल्स फॉरवर्ड. तो जैसे मैं आपको बोल रही थी, अगर वहाँ पे आप रेंट के लिए घर देखने जा रहे हैं और वहाँ पे नीचे पता ही नहीं आपको कॉन्टैक्ट किसको करना है, कितना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन वाइल यू आर राइटिंग अ नोटिस. तो इसीलिए एंड में आपको ये सब डिटेल्स मैंशन करना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एक नोटिस मैंने लिख रखा है सो दैट आप कम्प्लीटली रिलेट कर सके जो भी आपने पढ़ा है, एंड यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ओके, तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था, वहाँ पे एक आपकी ब्रीफ, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसने भी नोटिस जारी किया हो, वट एवर इज़ द नेम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो सबसे पहले ऊपर आ गया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नीचे आता है नोटिस इन कैपिटल लेटर्स जो कि यहाँ पे लिखा गया, विच इज़ प्राइमरी टू ग्रिप द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स. फिर उसके बाद आपकी लेफ्ट साइड पे डेट आ जाती है, जैसे यहाँ पे है. उसके बाद एक आप एक छोटा सा जो है हेडिंग दे देते हैं, जस्ट सो दैट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया कि ये नोटिस जो है ये किसके बारे में. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट. तो जिन लोगों को सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा ऑटोमेटिकली दे विल बी इंट्रीग्ड, राइट, दे रियली वांट टू सी व्हाटएवर इज देयर. लेकिन जिसका सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली, सो इट एक्चुअली काइंड ऑफ स्क्रूटनाइजेज, आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा, व्यूअर्स के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा कि वो जो भी, अगर ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है या नहीं, यहाँ से उनको हेडिंग से एक स्लाइड आइडिया मिल जाएगा. उसके बाद ऑफकोर्स द बॉडी, जैसे आपको पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को बहुत ही फॉर्मली लिखा गया है विद द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, द पंक्चुएशन शुड बी करेक्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी, इट हैज़ टू गो इन अ वेरी फॉर्मल फॉर्मेट. तो यहाँ पे अगर आप देखें डिटेल्स आर गिवन बिलो, तो यहाँ पे ना डेट, टाइम, वेन्यू, एलिजिबिलिटी, सब कुछ, यानी कि ऑल द 5 W's हैव बीन कवर्ड वेरी क्लियरली. तो यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह जो भी इनको लगा कि अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको फॉरवर्ड करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे फॉरवर्ड की हुई है, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर हूएवर इज रीडिंग इट. तो एंड में जो है लिखा हुआ है किसने ये नोटिस जारी किया है, उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन. नंबर देना चाहते हैं नंबर दे दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. नंबर देना चाहते हैं दे दीजिए, अपनी डेजिग्नेशन लिखना चाहते हैं, हाउ एवर यू वॉन्ट डू, सिग्नेचर करना चाहते हैं आप, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, सो दैट यू नो इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी कस्टमर फ्रेंडली, इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली. जो भी इनको पढ़ रहा हो उनके लिए बहुत आसान हो जाए गेज करना कि आप उनको क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग. मुझे पता है ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है. तो मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद ट्यूटोरियल्स पॉइंट एंड ट्यूटोरिक्स. आई नो, मुझे पता है आप पढ़ रहे हैं, आप उनकी वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको बहुत पसंद आ रही है ना. तो आपको पसंद आ रही है तो आपके फ्रेंड्स को तो पसंद आनी चाहिए. तो जल्दी उनको भी बोलिए डाउनलोड करिए ट्यूटोरिक्स, आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है. एंड इन्जॉय लर्निंग मैथ्स एंड साइंस थ्रू अ वीडियो प्लेटफॉर्म. Okay friends, have a good day. See you again.